सभी उपस्थित इस कार्यक्रम के आयोजकों के पदाधिकारीगण, महामंडलेश्वर स्वामी पूर्ण गिरिजी महाराज, श्री पीसी शर्मा जी, डॉक्टर एनके शर्मा जी, श्री यतीश सारस्वत जी, श्री शिवनारायण शर्मा जी, श्री पवन शर्मा जी, श्री विष्णु शर्मा जी, श्री हरिबाबू जी, श्री बी एल शर्मा जी, श्री करेलाल शर्मा जी, श्री मानस जिंदल जी, राधेश्याम शर्मा जी और सभी उपस्थित यहाँ पर जो भी पदाधिकारीगण हैं इस आयोजक मंडल में और यहाँ उपस्थित सभी भी प्रबंधुगण, मातृशक्ति सबको सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और फिर क्षमा मांगता हूँ कि मैं समय पर नहीं आ पाया। वास्तव में जब भी आगरा आता हूँ तो आगरा ही नहीं और पास के और उसमें ज़्यादातर विप्र बंधु अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। जब वो दूर दूर से आते हैं तो मुझको भी लगता है कि इनकी समस्या सुनूं और भगवान परशुराम से कामना करता हूँ कि वो शक्ति प्रदान करें कि उनका निराकरण हो सके, तो उसमें विलम्ब होता ही है। फिर एक सरकारी कार्यक्रम शमशाबाद क्षेत्र में था, वहाँ पे गया, वहाँ से सीधा यहाँ पर आया हूँ, तो ये मजबूरी थी, इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं देर से आ पाया और आप सबके दर्शन नहीं कर पाया, इसके लिए पुनः माफ़ी। देर से आने के कुछ कारण रहे हैं तो पंडित जी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, तो यही बेवफा नहीं होता, तो हमारी मजबूरी थी, आशा आप माफ़ करेंगे, आपके आदेश का अनुपालन तो किया लेकिन विलंब से हुआ। मैं पहले भी इस कार्यक्रमों में आ चुका हूँ जब उस शहर में रामलीला ग्राउंड में होते थे और तब अपार जनसमूह जन सैलाब को देखकर मैंने एक बार सजेशन भी दिया था कि इसको कहीं बाहरी क्षेत्र में बड़े स्थान पर करें, क्योंकि वाहनों की का तांता लगा हुआ था। वहाँ पर भी मुझे आने में देर हुई थी, टाइम तो लग आ चुका था लेकिन वहाँ तक पहुँचने में देर हुई थी, इतना रश। तो मेरा सुझाव था और वो सुझाव आप लोगों ने आज साकार किया भी, लेकिन उसका विशाल स्वरूप मैं देखने में वंचित रहा। अगली बार मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं समय पे आने की पूरी कोशिश करूँगा। ये होली के मिलन का अवसर है, आप सब उसको इतने विशाल स्तर पर बनाते हैं, यह भी एक बेमिसाल उदाहरण है। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। हालांकि होली का पर्व हो चुका लेकिन उसके रंग, उसकी उमंग, उसकी तरंग और कहीं कहीं उसकी भंग का असर अभी भी होगा, तो उस सब की बधाई। सामने अपना हिंदू समाज का नव संवत्सर आ रहा है और वास्तव में हम लोग का नव वर्ष यही है, कैलेंडर न्यू ईयर तो हम लोग मनाते हैं, उस पर बधाई देते हैं कि हम, लेकिन अपना नव संवत्सर जो हिंदू धर्म से सीधा जुड़ा हुआ है उसकी भी आप सबको हार्दिक बधाई और यह नूतन वर्ष आपके जीवन में समृद्धि लाए, खुशहाली लाए, आपके जीवन को ऐश्वर्यशाली बनाए, यही मेरी भगवान परशुराम जी से कामना है। और मैं पुनः कभी आपके यहाँ पर आ सकूँ, एक हाँ मुझसे आदेश हुआ है मंदिर में सहयोग का, तो देखूंगा सरकारी स्तर पर क्या हो सकता है, लेकिन सरकार में रहकर किसी और स्तर से क्या सहयोग हो सकता है ये एक अलग विषय है। अगर सरकारी स्तर पर भी कोई सहयोग हो सकेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा, लेकिन सरकार में आप लोगों ने मुझे इतना शक्तिशाली बनाया है तो जिससे कहेंगे वो कुछ ना कुछ सहयोग करेगा। धन्यवाद।